सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 295 केंद्रों पर कुल 26,342 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,553 और सेकेंड डोज लेने वालों में 19,789 लोग शामिल रहे, जिसमें बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स, महिला पुरुष जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी सहित 295 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में अब तक 35 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें 24,11,000 लोगों की फर्स्ट डोज तथा 10,90,000 लोगों को सेकेंड डोज लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं। उनसे अपील है कि सभी सरकारी केंद्र जिला अस्पताल पर जाकर निःशुल्क वैक्सीनेशन करा ले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 295 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है, जिसमें बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स, हमारे दोनों जिला अस्पताल, महिला और पुरुष, हमारे सभी सीएससी, पीएससी पर, अर्बन पीएससी पर सब जगह वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक हमने 35 लाख से ज़्यादा डोज लगा चुके हैं, जिसमें से 24,11,000 से ज़्यादा फर्स्ट डोज और 10,90,000 से ज़्यादा सेकेंड डोज लगा चुके हैं। अभी भी हमारे जनपद में बहुत सारे लोग छूटे हैं जिनको फर्स्ट डोज नहीं लगा हुआ है, और सेकेंड डोज में भी 2 लाख से आसपास जिनका ओवर ड्यू हो गया है वो सब लोग छूटे हुए हैं। सभी से हमारा अनुरोध है कि हमारे सेंटरों पर, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण चल रहा है, जो कि 9 बजे से लेकर के सुबह शाम को 5 बजे तक चलता रहता है। बहुत अच्छी तरह से टीकाकरण हो रहा है। सभी जो भी छूटे हैं सब लोग आए हमारे सेंटरों पर और अपना टीकाकरण कराएं।